नमस्कार दोस्तों, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास ये फिलिप्स कमांडर का रेडियो आया है। ठीक है, ये फिलिप्स कमांडर है, यहाँ पे ये फिलिप्स कंपनी का यहाँ पे लोगो है। ठीक है, तो कस्टमर ले आया, इसमें बोल रहा है हमने बहुत दिन से इसको बजाया नहीं है, तो इसमें हमको लाइन दे करके चेक करना पड़ेगा इसमें क्या कंडीशन है अभी। तो अभी इसमें हम इसका बैटरी हमारे पास नहीं है, इसमें चार बैटरी लगता है। देखिए यहाँ पे दो और यहाँ पे दो, ठीक है, यहाँ पे चार बैटरी लगता है। तो इसको हम अभी चलाने के लिए इसको हम खोलेंगे, खोलने के बाद हमें इसमें 6 वोल्ट की ज़रूरत होता है, चार बैटरी मतलब 6 वोल्ट। तो हम 6 वोल्ट का कोई भी एडाप्टर इधर लगा करके इसको चेक करेंगे और इसमें क्या दिक्कत है इसको रिपेयरिंग भी करेंगे। बने रहिए, देखते रहिए, मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसको खोलने के लिए यहाँ पे चार स्क्रू दिया गया है, तो यहाँ पे हम चार स्क्रू इसका निकाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें बैटरी कनेक्शन जो है हम एडाप्टर से इसमें बैटरी का पावर देंगे और उसके बाद देखेंगे ये चलता है या नहीं, क्योंकि बहुत दिन से कस्टमर ने इसमें लाइन भी नहीं दिया और बैटरी भी नहीं लगाया इसमें। इसमें तीन बैंड होता है, मीडियम, शॉर्ट टू, शॉर्ट वन। ठीक है, तो जब ये रेडियो निकला था तब FM का बैंड नहीं था। ठीक है, ये बहुत साल पुराना है, करीब 25-30 साल पुराना है। आजकल ये रेडियो नहीं मिलता है, तो हम पहले ये रेडियो का काम बहुत करते थे, अभी जो है कभी कभी आता है, अच्छा लगता है रेडियो का काम करने में। हमने रेडियो का काम बहुत पहले सीखा था। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, आपने अगर रेडियो का काम सीख लिया, मान लो आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक मतलब आपको आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए इसमें किस तरह का बोर्ड लगा हुआ है, ये चार स्क्रू हम मैग्नेट में लगा देते हैं। मकड़ी का जाला वगैरह देखिए, मकड़ी का जाला भी है इधर। तो इसमें कस्टमर बोल रहा है ये जो इसका डायल कोड है, ये डायल कोड अच्छे से घूमता नहीं है, तो इसको भी हम ठीक करेंगे। देखिए कभी हिलता है कभी नहीं हिलता है, ये देखिए ये इसको हम घुमा रहे हैं लेकिन ये हिल नहीं रहा, तो इसको हम अच्छे से इसको टाइट भी करेंगे, ठीक करेंगे। ठीक है, और इसका जो है देखिए वॉल्यूम भी हिल रहा है देखिए। तो इसमें हम बैटरी कनेक्शन पहले लगा लेते हैं। ये हमने 5 वोल्ट का एक एडाप्टर लिया है, इसमें हम 5 वोल्ट का कनेक्शन इधर कर देंगे। हमें पहले देखना होगा इसमें से कितना वोल्ट आ रहा है, क्योंकि हम जब भी हम इसमें बैटरी कनेक्शन देते हैं मतलब एडाप्टर लगाते हैं, हमको चेक करना ज़रूरी होता है कितना वोल्ट आ रहा है। देखिए 5 वोल्ट इसमें से निकल रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव हमको कहाँ देना होगा, ये जो लाल वाला कनेक्शन है इसमें हम पॉजिटिव कनेक्शन देंगे बैटरी का। ये हमने इसमें एक सोल्डरिंग कर दिया है और एक कनेक्शन हम नेगेटिव में देंगे, और नेगेटिव कहाँ पे, यहाँ पे हमारा नेगेटिव होता है। ये हमने नेगेटिव कनेक्शन भी लगा दिया, ठीक है। तो इसमें हम इसको अभी ऑन करेंगे, ये हमने ऑन किया लेकिन ये ऑन नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक चीज़ दिखा रहे हैं आपको, ये वाला जो लाल कनेक्शन है ये हमारा टूटा हुआ है, और कहाँ पे रहता है ये जो वॉल्यूम का कनेक्शन है, एक तरफ बैटरी का कनेक्शन है और दूसरी तरफ हमारा बोर्ड का कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन को यहाँ पे लगा करके इस वॉल्यूम को भी हम टाइट कर देंगे, उसके बाद देखेंगे ये चलता है या नहीं। ये हमने इसमें सोल्डरिंग कर देना है अच्छे से। तो देखना पड़ेगा ये चलता है या नहीं। देखिए कनेक्शन देने के साथ साथ ये ऑन हो चुका है। देखिए हिलता नहीं है, इसको भी हम थोड़ा टाइट कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसका साउंड भी सुनाएंगे, क्योंकि ये देखिए वॉल्यूम थोड़ा हिल रहा है, इसको हम थोड़ा टाइट कर लेते हैं।
या पे एक नट होता है, इसको अच्छे से हमको कस देना होगा। ये हमने इसमें कस दिया अच्छे से। अभी वॉल्यूम का नॉब जो है लगा देते हैं। देखिए अभी नहीं हिलता है, अभी ये हिलता नहीं है, देखिए पूरी तरह से फिक्स हो चुका है। तो इसका डायल कोड जो है इसको हम फिक्स करेंगे। अभी इसका पावर बंद कर देते हैं और डायल कोड को हमको जो है अच्छे से कसना होगा। पहले इसको खोल लेते हैं। इसमें दो कनेक्शन रहता है जो कि एफएम मतलब शॉर्ट बैंड जो होता है उसका एंटीना होता है। यहाँ पे ये दोनों को हमको खोलना पड़ेगा क्योंकि हमें बोर्ड निकालने से जो है ये कनेक्शन भी खोलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं ये रेडियो को बचपन में देखा था, अभी बड़े हो गए हैं उनको रेडियो अभी दिखाई नहीं देते, मतलब मिलता नहीं है। तो हमको तो ये रेडियो बहुत पहले मिल गया था, हम इसमें रेडियो का काम भी सीख चुके हैं। देखिए ये इसका डायल कोड होता है, ये इसका बोर्ड होता है, ठीक है। तो डायल कोड क्यों नहीं घूमता है हमको देखना पड़ेगा। ये लूज हो चुका है, इसको टाइट करने के लिए दोस्तों एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें एक यहाँ पे अच्छे से एक पेस लगा देना होगा। यहाँ पे हमने एक पीस लगा दिया और फिर इसको इधर ये हो गया। अभी देखते हैं, देखिए अभी हिल रहा है। तो अभी इस बोर्ड को हम थोड़ा सा ब्रश से इसको साफ करके उसके बाद फिर से इसको बिठा के दिखाएंगे ये काम करता है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है एक चीज़ आपको दिखाते हैं, यहाँ पे नंबर होता है 1 2 3 ऐसे नंबर होता है और यहाँ पे भी नंबर होता है। आपको मोबाइल मतलब कैमरे में दिखाई नहीं दे होगा, इधर नंबर लिखा रहता है और इधर भी ठीक है। और आपको जो है जब भी आपको खोलेंगे तब ये नंबर देख के लगाना होगा, क्योंकि नंबर आप नहीं देख के लगाएंगे तो ये जो है अच्छे से नहीं घूमेगा, अटक जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 3 नंबर है और यहाँ पर देखते हैं 3 नंबर कौन सा है। ये हमारा 1 नंबर है और अभी देखते हैं बैठा करके। देखिए किस तरह से लगता है इधर। इसको अभी अच्छे से इधर बैठा देना होगा। ये बैठ गया थे, अभी ये बैठ चुका है तो इसको घुमा के देखते हैं ये घूमता है या नहीं। तो दोस्तों देखिए, हमने डायल कोड को तो जो है हमारा अटक रहा था, अभी हमारा डायल कोड आराम से घूम रहा है। देखिए कभी अटकता भी नहीं है, बढ़िया से घूम रहा है। आपको अच्छे से दिखाते हैं, ये जो मीटर है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भी हम इसको घुमाते हैं तब ये घूमते हैं, देखिए अटकता नहीं है। तो अभी जो है ये हमारा डायल कोड हमने किस तरह से इसको रिपेयर किया है, ये जो इस तरफ का जो धागा है इसको हमने नीचे दबा के रखा है। तो उसके लिए हमने ये भाई स्टील का एक मैंने तार लगाया है, उसको इस धागे को नीचे दबा के रखता है। क्योंकि देखिए ये सब थोड़ा ऐसे जो है थोड़ा सा हिल रहा है। देखिए ये देखिए थोड़ा ये खा गया है घूमते घूमते, ये भी खा गया है। सारा जो है इसका रूल मतलब ये जो पुली है सारा पुली थोड़ा थोड़ा खा गया है, इसलिए ये इससे ज़्यादा रिपेयर नहीं होगा। जब भी हम काम करेंगे तो ये धागा इस तरह से रहेगा। अब देखते रहिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं तो ले लीजिएगा, क्योंकि ये धागा इस तरह से बंधा रहता है। अगर आपके पास आए तो ये धागा आपको बहुत जरूरी होगा किस तरह से रहता है, बढ़िया करके देख लीजिए।
कितना कितना पेच रहता है वो आपको पता चल जाएगा। देखिए इस तरह से रहता है। तो हम अभी ये धागा तो हमारा फिट हो चुका है, तो ये रेडियो में अभी हमने इसका साउंड भी चेक करना है, इसमें वॉल्यूम वगैरह सही से आ रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत दिन पड़े पड़े रेडियो जो है बंद हो जाता है, बैठ जाता है साउंड इसका, बैठ जाता है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए किस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा आपको दिखाएंगे। पहले इस बोर्ड को इधर लगा लेते हैं, ठीक है, देखते रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो हमारे चैनल में आपको आगे भी मिलते रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम वीडियो बना के यूट्यूब पे डालते हैं, तब भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसीलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यूट्यूब में बहुत कम मिलेंगे। ये हमने इसमें स्क्रू लगा लिया, यहाँ पे एक इंडिकेटर है, ये हमारा इंडिकेटर है। तो इसको अभी हम, ये हमारा शॉर्ट का एंटीना जो है यहाँ पे, इसको कनेक्शन कर लेते हैं। अभी आपको उसको घुमा के दिखाते हैं ये सही से घूम रहा है या नहीं। देखिए अब तक ख़त्म है, अभी इधर आके ख़त्म होगा। इसको थोड़ा इधर ले लिया क्योंकि इस तरफ ज़्यादा जा रहा था। देखिए पूरा इधर आ चुका है, ठीक है। अभी ये धागा पूरी तरह से चल रहा है, तो अभी इसको ऑन करते हैं, इसका साउंड सुनते हैं। साउंड आ गया है, देखिए हमने इसका फुल साउंड दे दिया, लेकिन इसमें साउंड कम हो रहा है, मतलब ये जो है बैठे बैठे इसका साउंड कम हो गया है। तो इसको उठाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसका साउंड जो है उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो IFT है 1 2 3, ठीक है, इस IFT को हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, तब जाके इसमें ऑडियो ज़्यादा होगा, मतलब साउंड ज़्यादा होगा। तो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से एडजस्ट करते हैं। देखिए साउंड ज़्यादा आ गया, अक्सर ये रेडियो जो है मार्केट में अच्छे से नहीं बजता है। अगर आप खुली जगह पे ले गए तो अच्छे से ये इसका सेंटर वगैरह पकड़े गए,
क्योंकि यहाँ पे बस्ता नहीं है, इसीलिए देखिए यहाँ पे बाजार में जो है बहुत तरह का मशीन वगैरह चलते रहते हैं, करंट रहता है, ज़्यादातर वोल्टेज रहता है, उसके वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पकड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, ये हो गया, ये रेडियो का जन्मगत बीमारी है, इसको कोई ठीक कर नहीं सकता, इसको कोई ठीक नहीं कर सकते। ये जो आवाज़ निकल रहा है ये आएगा ही आएगा, क्योंकि ये अभी हमने इधर में बैटरी नहीं लगाया, बैटरी लगाने से थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर इस जो मेरा जो शॉप है, शॉप से अगर बाहर निकल गए तो ये साउंड जो है गायब हो जाएगा, चला जाएगा अपने आप, क्योंकि ये हमने एडाप्टर से इसमें लाइन दे दिया, ये एडाप्टर से एसी से डीसी होकर के इसमें आ रहा है, इसीलिए इस तरह का साउंड आ रहा है। ठीक है, अगर इसमें हम बैटरी लगाएंगे, सेल लगाएंगे, तभी ये अच्छे से बजेगा। और ये रेडियो हमने अभी देखिए बढ़िया से ओके कर दिया है, ये अभी आराम से चलेगा। और रेडियो बैठे बैठे जो है ये IFT वगैरह थोड़ा बैठ जाता है, उसीलिए साउंड हमारा कम हो जाता है सेंटर वगैरह में, कोई कोई सेंटर में साउंड कम होता है। ठीक है, तो इस तरह का PFT IFT हम एडजस्ट करेंगे तो हमारा रेडियो को साउंड जो है वो बेटर होगा, वो अच्छे से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बाहर जाके एडजस्ट करने से अच्छा होगा। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा पुराना नहीं है, मतलब 20-25 साल पुराना है। वो जो पहले का रेडियो था उसमें क्या होता था, इस तरह का IC नहीं रहता था, यहाँ पे एक छोटा सा ड्राइवर होता है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर होता था, और इस IFT के बगल में एक एक ट्रांजिस्टर होता था जो कि इस IC से बना के दिया है, ट्रांजिस्टर होता था, 48-47 ऐसे कुछ ट्रांजिस्टर होते थे। ठीक है, ये जो नए ज़माने के पकड़ लीजिए, पहले ज़माने का जो रेडियो था उसमें जो है ये IC खूब कम था, बहुत कम था। ये फिलिप्स का ओरिजिनल रेडियो है, फिलिप्स कमांडर है, कस्टमर इसको बहुत दिन से यूज़ नहीं किया इसीलिए लेके आया था, और इसका डायल कोड भी थोड़ा सा लूज़ हो गया था, और इसका वॉल्यूम का कनेक्शन भी टूट गया था। तो हमने जितना सका इसको रिपेयरिंग कर दिया है, ये आराम से अभी चलेगा, और इसको बाहर जा करके थोड़ा सा सेंटर वगैरह को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे तो बढ़िया से चलते रहेंगे, क्योंकि ये पड़े पड़े जो है दोस्त, इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा डाउन होता है। ये रेडियो का बहुत पुराना बीमारी है, जो लोग रेडियो रिपेयरिंग करते हैं वो लोग जानते हैं, कोई कोई रेडियो जो है धूप में देने से भी ठीक हो जाता है, बहुत दिन पड़े पड़े रहे, बैटरी डाल दिया तभी रेडियो नहीं बज रहा है, उसमें अगर आपने धूप खोल करके धूप लगा दिया तो ये रेडियो चालू हो जाता है, रेडियो में इस तरह का बीमार भी आता है। ये हमने खोल दिया इसको, हम इसको पैक कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे, ये हमने बहुत पहले काम किया था, मतलब 20-25 साल पहले मैंने इस तरह का रेडियो का काम किया था, और मैंने उसी दौरान रेडियो काम सीखा था, और मेरा अभी रेडियो में जो है रेडियो का काम बहुत ज़्यादा आता नहीं है, कभी कभी आता है, तो कभी जो जब भी आता है थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें अभी देखिए ये जो गैंग है ये नहीं मिलता है, अगर गैंग मिलता तो सारा रेडियो रिपेयर हो जाता, लेकिन ये गैंग इधर नहीं मिलता अभी, ये फिलिप्स का गैंग है, ये नहीं मिलता है, सारा कुछ मिल जाएगा लेकिन ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तो आप कैसे बनाओगे रेडियो को, असल फंडा उसी में ही है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।